आज देखेंगे ध्यान से क्या बनाते हैं। देखिएगा पेंसिल को कहाँ पर रखें, फिर यहाँ से सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर यहाँ से इस प्रकार हमेशा पेंसिल शेडिंग का, अगर पेंसिल शेडिंग से बनाते हैं तो ठीक है। फिर देखिए पेंसिल को कहाँ पकड़े, यहाँ से सीधा ले जाके ठीक है, फिर देखिए ध्यान से इस प्रकार फिर हाँ से एक लकीर, फिर ध्यान से देखेंगे जो इस प्रकार, और यहाँ से यहाँ तक जस्ट यहाँ से एक लकीर ऐसे सीधा ले जाके तो यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से सीधा ले जाके ऊपर यहाँ से ठीक है, ठीक है इस प्रकार से, इस प्रकार फिर यहाँ से एक लकीर इस और फिर यहाँ से ये कपड़े का फूल है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार जस्ट हाँ यहाँ पकड़े, अब यहाँ से इस प्रकार ये सब पार है कपड़े का
क्योंकि कपड़े साड़ी को जिस तरह से खोल कर पहनते हैं तो उसका का इस प्रकार स्लिम होना स्वाभाविक है। तो इस तरह का हम साड़ी का फोल्ड बना सकते हैं। अब उड़ा पाँव का तो इस प्रकार पाँव का हिस्सा और एक पाँव जो है जस्ट इस प्रकार अब रहा एक दूसरा पोजीशन का हाथ भी इस तरह से दिखा दिए, मतलब कुछ इसको पकड़ी हुई है। अब हम इसको क्लियर करते हैं, इसको क्या क्या चीज़ पकड़ी हुई है, तब आपको समझ में आएगा। इस प्रकार इस प्रकार सीधा अब में आ रहा होगा ये कुत्ता बांधा हुआ है बांस में, तो इस प्रकार जो बांधा हुआ स्थिति होता है बांस को रस्सी से बांधते हैं तो उसको भी दर्शा दिए। यहाँ भी कुत्ते का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है और ये आपका जमीनी भाग है। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ से एक सीधा लकीर यहाँ तक, फिर यहाँ से सीधा लकीर यहाँ तक, फिर यहाँ से सीधा लकीर आके अब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये लकड़ी का एक तख्ता है, दूसरी ओर यहाँ पर लकड़ी बांधा हुआ रहता है। अब देखिए मेन बात क्या है, क्या हम दर्शाना चाहते हैं। इस प्रकार एक और महिला को हम यहाँ दर्शाएंगे जो थोड़ी दूर में बैठी हुई है। ठीक है, जिसका हाथ इस प्रकार है, यहाँ भी एक हाथ है, हाथ में कुछ कटोरा वगैरह भी है।
ठीक है, इस तरह का महिला जो है ये मतलब कि आपका गांव का एक दृश्य है कि घर में गेहूं को किस तरह से, मैं गेहूँ तो धान को किस तरह से कुटा जाता है, तो उसको हमने दर्शाए हैं धान कूटते हुए घर में, वो इससे लोग कूटता है जिसको हम लोग बोलते कि ढेकी बोलते हैं, ढेकी से धान कूटा जाता है गांव में। तो इस प्रकार बांस का कुत्ता यहाँ दर्शा दिए हम लोग। अब रहा कुछ घर का हिस्सा भी हम दिखा दें। यहाँ एक खिड़की भी है, खिड़की को भी हम लोग इस प्रकार गांव घर में इस तरह का चावल रखने के लिए बनाया जाता है उसमें। इस प्रकार तो दो गुंबद यहाँ बना दिए कि चावल धल रखने के लिए, घर में होता ही है ऐसे। घर का और भी हिस्से जो है उसको खिड़की वगैरह और घर के इधर जो है पेड़ वगैरह है उधर, जो घर के पीछे में नज़र आता है, इस प्रकार उसको भी क्लियर कर देते हैं। क्योंकि गांव का परिवेश है, पेड़ वगैरह सब होगा ही, ये लेके
पेड़ होता ही है, आम है। तो ये रहा आपका गांव का वातावरण, जो इस प्रकार हमने दर्शा सकते हैं। ठीक है, आप इसे अपने ड्राइंग कॉपी में बेहतर से बेहतर रूप में बनाएंगे, बना के मुझे दिखाएंगे। ऑयल पेस्टल हो या वाटर कलर, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तख्तार है। ठीक है, इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना ड्राइंग कॉपी में बनाएंगे, ऑयल पेस्टल कलर हो या वाटर कलर, इससे हम इसको रंगेंगे। आज आपके लिए है, आज आपके लिए है एक लाइव ड्राइंग, जो इंडोर का सीन दिखाएंगे। गांव के घर घर में कैसे क्या माहौल रहता है उसको दर्शाना है। गौर से देखेंगे पेंसिल को कहाँ रखे हैं। हर स्टेप को आप देखेंगे, इस प्रकार इस प्रकार ठीक है। गांव का एक महिला लेडीज चूड़ी पहनी हुई है, दूसरा हाथ इस प्रकार
इस प्रकार आपने एक ग्लास पकड़े हुए और ये साड़ी का फोल्ड और साड़ी का पार्ट जो है इसको दर्शाते हुए इस प्रकार साड़ी का फोल्ड और इधर पांव को दर्शा दिए और एक तुलसी का पेड़ हर हर काम में मिल जाता है तुलसी का पेड़ ठीक है इस प्रकार तुलसी का पत्ता जो है गोल गोल होता है तो इस तरह से गोल गोल टाइप में पत्ता को बिठा दिए और पानी डाल दिए नेक्स्ट ये घर के आंगन में का दृश्य है और घर के इंडोर आउटडोर दोनों को दिखाना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को दिखाना है तो अब सब्जेक्ट में आते हैं प्रकार एक घर के पास एक खुट्टा दिखा दिया से ठीक है एक खिड़की
स्थिति को दर्शा देता है। और उसके बाद इस प्रकार घर जो टूटा है तो इसके साथ इसको जोड़ देंगे और यहाँ दरवाजा बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार दरवाजा खुली हुई है, दरवाजा का डिजाइन अंधेरा होने का भी लगता और घर का आपका बरामदा जो है वो एक सीढ़ी भी अंदर बना देते हैं। इस प्रकार सीढ़ी को भी दिखा दिया, और उसके बरामदा में एक बाल्टी रखा हुआ है। गांव घर में जो है जो भी लोग बाहर से आएंगे पहले पाँव को बढ़िया रखकर अच्छा से साफ करेंगे, नाक पाँव को धोकर तब घर में दाखिल होते हैं, ठीक है। ये पानी का बाल्टी और एक लोटा सब लोग बोलते हैं, पॉट वाटर पॉट इस तरह से सामने रखा हुआ है। और घर में देखिएगा गांव में जो चावल और गेहूँ रखने के लिए एक घरनुमा बना रहता है जहाँ चावल गेहूँ चावल को स्टोर करते हैं रखते हैं। अब थोड़ा जमीन के ऊपर रखता बांस को पक्का से बना रहता है, ठीक है। इस पर एक पेड़ भी है जिसको हमने इस प्रकार दर्शा दिए। ये टोटल घर के इंडोर्स का सीन है, ठीक है। और घर के अंदर में प्रवेश द्वार है तो एक रोड भी बना हुआ है और ये एक दरवाजा भी है। गांव में देखेंगे इस प्रकार बड़ा गेट नुमा दरवाजा है, खुला हुआ है।
प्रवेश द्वार और घर में एक बड़ा सा पेड़ हम दर्शा सकते हैं। क्योंकि गांव घर में ज्यादा पेड़ होता है, वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है और शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा गांव का पड़े कुछ गाँव को मजा ही कुछ करते हैं। ठीक है, और भी पेड़ पौधा कर सकते हैं, गाछ पौधा बस लगा हुआ घर के आंगन के भीतर जो किसी प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ गमला में और भी पौधा है उनका, पता दिखा सकते हैं। इस प्रकार गांव का पूर्ण वातावरण हमने दिखाया, उसे आप बहुत सुंदर से बना सकते हैं। ठीक है, और कपड़ा भी जो घूमटा जो दिया हुआ है उसको भी हम पूजा के समय लेडीज लोग अक्सर महिलाएँ से एक साथ में इस प्रकार एक नेचुरल घर का जो गांव घर का जो सीन है उसको बनाने का हमने प्रयास किया। आप उसे फॉलो करेंगे, अपना ड्राइंग करोगे, बेहतर से बेहतर उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ऑयल पेस्टल कलर हो या वाटर कलर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलर का इस्तेमाल करेंगे। वाटर कलर में नेचुरल कलर, नेचुरल जो है ओरिजिनल उसको लगता है, देखने में अच्छा लगता है और नेचुरल लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको घर में अपने ड्राइंग बॉक्स में बनाइए, बना के कलर करके हमको दिखाएं। आज हम कुछ अलग हटके सीखेंगे जिसे आप गौर से देखेंगे क्या क्या मटेरियल लगता है। आज का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो आपका
और स्टिच मटेरियल से सीखेंगे। तो स्टिच मटेरियल में क्या क्या चीज़ लगता है, जैसे कि हम ये एक कर ऊपर वाला हिस्सा छिलका से कवर से बनाएंगे, जिसको इस तरह से फोड़ के उसके भीतर का अंदर का मटेरियल सब निकाल दिए। अब उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको धो के बढ़िया से सुखा के अंदर का भीतर वाला जो है बढ़िया से वॉश कर लेंगे। पहले एक दिन पहले उसको वॉश करके बढ़िया से मटेरियल निकाल के धो के रख देंगे इसको। अब इसका देखते हम क्या बनाते हैं, पहले इसमें ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार। ड्रॉ कर लिए दोनों एक के, हल्का से अब इसमें ब्लैक कलर से कोई भी कलर से ब्लैक ब्लैक कलर से इसको कलर करेंगे। इसके बाद हम कलर लेके फैब्रिक कलर करेंगे ताकि शाइनिंग भी आएगा और जल्द से जल्द सूख भी जाएगा। इस तरह कलर से भी अच्छा से देखने में अच्छा लगे। पहले टागू के चारों तरफ इस प्रकार ब्लैक आउटलाइनिंग देखिए, जहाँ को लगेगा कि फैब्रिक कलर सूख रहा है वहाँ पर थोड़ा पानी मिक्स करके बराबर होना चाहिए। तुरंत सूख ही रहा है इस तरह का एक पकड़ के चारों तरफ ब्लैक कर दिए हमने। इस तरह से पूरा ब्लैक कर देंगे। अब इसे पूरा ब्लैक कर दिया, अब ये सूख गया है। इसको इस प्रकार रख देने दूसरे को भी, इसी तरह हमने कलर करेंगे जैसे आपको बताए थे। प्लानिंग कर लीजिए, और प्लानिंग करते हुए तब उसको
कलर करेंगे। आप देख रहे हैं इस प्रकार हमने इसे कलर कर रहे हैं। नेक्स्ट आप गौर करेंगे इस प्रकार एक कागज लेके इसको हल्का से फोल्ड करना है। क्राफ्ट पेपर लेके इसको गोंद से इसको फोल्ड करना है ऐसे। ठीक है, और कोई भी सीजर से इसको कट कर देंगे ऐसे। ठीक है, और इसको हल्की से ऊपर से कट करके इस तरह से फिर इसको इस तरह इसको चारों तरफ से गोंद से मतलब गम से इसको चिपका के जस्ट इसके सामने इस प्रकार लगाएंगे इसको। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी गोंद लगा के इसको भी इधर कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ कट करके ज्यादा हिस्से को कट करने से अच्छा होगा। अब उसे इसको फैला देंगे
कटिहार गूंद लगा देंगे इसे। इसको भी इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। दोनों चिपका दिए। नेक्स्ट ये जो फैब्रिक कलर है इससे इस हिस्से को ब्लैक कर देंगे ताकि दिखाई नहीं दिए। जस्ट कागज के हिस्से को चिपका देंगे और उसके ऊपर से ब्लैक चला देंगे ताकि हमें इसके ये पार्ट दिखाई नहीं दे। ठीक है, इस हिस्से में थोड़ा सा ब्लैक को यहां तक ला के फिर देखेंगे आप। बारीकी से वर्क है तो उसमें ध्यान देना होगा आपको। इस प्रकार ताकि कागज के इस हिस्से को हमको दिखाई नहीं दे। आपको समझ में आ रहा है क्या बना रहे हैं? तो इस प्रकार जैसे यहाँ दिए हैं उसी प्रकार इसको भी देखिए ध्यान से। दोनों में बराबरी होना चाहिए तब देखने में अच्छा लगेगा। ये नहीं कि एक पार्ट ज़्यादा बड़ा है एक पार्ट छोटा है, उससे ऑड लगेगा देखने में। इस प्रकार देख लीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे, गौर से देखेंगे उसको। नेक्स्ट स्टेप है इसमें इस प्रकार कागज को काट के
इस प्रकार कागज को हमने काटा। काटने के बाद इसको इस तरह से, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पेपर में ड्रॉ करके इसका भी दो पीस हम लोग कट के निकालेंगे। इसको फोल्ड कर दिए, एक बार में कट के निकालना है। तो इस प्रकार हम दोनों को देखिए किस बारीकी से हम काट रहे हैं। इस प्रकार इसको काट के दोनों पीस निकाल लिए। अब इसको फिनिशिंग देंगे। ठीक है, ऐसे जितना बेटर फिनिशिंग देंगे उतना अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी ऐसे यहां जितना बारीकी से कट करेंगे उतना देखने अच्छा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार ड्रॉ करने के बाद इसका कुछ हिस्से को हम कलर करेंगे। ब्लैक, ये भी ब्लैक कट है। हाफ पोर्शन को, थोड़ा हिस्सा को ब्लैक कर दिए। ठीक है, इस प्रकार इस हिस्से को हमने ब्लैक कर दिया इस तरह से, थोड़ी देर डिजाइनिंग करके। इसी प्रकार इसको भी देखिए इस प्रकार इसको भी हमने ब्लैक कर दिया। बहुत आसान है, इसको अगर हम देख लेंगे तो अपने घर में बना के इसको डेकोरेट कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं।
जैसे यहाँ निकाले थे उसी प्रकार इसको भी ठीक है। अब दोनों को ड्रॉ करने के बाद, कलर करने के बाद इस प्रकार आपका ये बन गया है। अब धीरे धीरे देखिए एक कूट लिए, कूट को भी हम डिजाइन से इसको काट देते हैं। छोटा सा पीस, ज्यादा नहीं, छोटा सा सरफेस इसको बना देते हैं इस प्रकार। इसमें गोंद अच्छा से लगा के एक को यहाँ, दूसरे को अच्छा से गोंद लगा के जस्ट इसके सामने में बैठा दिए। अब इसमें देखेंगे छोटे छोटे आइज, एक यहां इस प्रकार दो आइस को हमने देखिए इस प्रकार दोनों को दो जगह चिपका दिए। इस प्रकार आप इसका गोंद सूखा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा जिसे हम इस प्रकार चिपका दिए, आपको दिखा देते हैं ठीक है। इस प्रकार अब जो है इसमें ये दो पंख कट किए थे इस तरह से आप ले लेंगे डबल साइडेड टेप। डबल साइडेड टेप थोड़ा सा ले लिया है और एक को मैंने
चिपका दिया। एक को इधर से दूसरे को इधर से ऐसे चिपका दिए, देख रहे हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे इसको, यहाँ पर भी इसी प्रकार पंख जोड़ देंगे। प्यारा सा दो पंख हमने जोड़ दिया, ठीक है इस प्रकार। अब पीले कागज पर ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार ड्रॉ करके देखेंगे। इस तरह से दो पांव काट लिए। और इसमें थोड़ा फेविकॉल चिपका के यहाँ चिपका देंगे। देखने में अच्छा लगे। इसका सपोर्ट भी हो जाएगा, बैलेंस भी बन जाएगा आप पांव का, देखने में भी अच्छा लगेगा आपको पांव। इस प्रकार दो लेग हमने जोड़ दिया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा
नेक्स्ट इस प्रकार का देखिए जोड़ने के बाद ध्यान सब दिखाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे जोड़े हैं हम, ठीक है। अब इसमें हमें आपको शायद ये ठीक से पता नहीं चला होगा, इसमें कुछ कुछ जगह हम गोंद दे दिए हैं बैकग्राउंड को, क्योंकि इसको इस प्रकार घर में रुई होगा या सिंथेटिक कॉटन जो होगा उससे हम यहाँ बर्फीले जगह का लुक दे सकते हैं, लगे कि बर्फ में है पेंगुइन। बर्फ का लुक इस प्रकार रुइयों से ज़्यादा नहीं भरना है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा देखें ताकि देखने में अच्छा लगे, ये नहीं कि आप पूरा से ज़्यादा भर दिए और वो ऑड लगने लगे, पूरा आपका काम झप जाए, जो क्राफ्ट वर्क है वो बेकार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा देख के हम उसको स्नो का इलाका हम बना दिए, रुई को फैला देंगे इस तरह। आप अपने इस जगह को ऐसे दिखा सकते हैं ताकि आइस स्नो बर्फीले जगह पता चले। ठीक है, इस प्रकार हमने पेंगुइन बनाए, इसको आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो अंडे से किस तरह से पेंगुइन बनता है, ठीक है, इसका बैक क्वेश्चन भी क्लियर कर देते आपको। इस प्रकार आप इसको बेटर बना के अपना घर में सजा सकते हैं, ठीक है, प्यारा सा पेंगुइन। ठीक है, देख लिया इस प्रकार हमारे पेंगुइन आपको देख रहे हैं, ठीक है।
ओके, आप अपना घर में बनाइए और हमें बना के दिखाइए।